हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरोग्य द्विवेदी आज आप सभी का एडी ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पालक ग्रो करेंगे। ये देखिए, एक कंटेनर ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें मिट्टी लोड करके और इसमें मैं पालक ग्रो करूंगा दोस्तों। तो आज मैं ये देखिए दो पार्ट में बना दिया हूं इसे, इसका दो पार्ट अलग अलग मैंने बना दिया। एक में इसमें रेड जो साग होती है, लाल साग, उसको ग्रो करूंगा और इसमें मैं पालक ग्रो करूंगा। तो दोस्तों, पालक ग्रो करने का सबसे बेस्ट और बेहतरीन मेथड है, पालक को सीड से ग्रो करने का सबसे बेहतरीन मेथड ये है कि आप इसे पानी में रात भर के लिए छोड़ दें और फिर सुबह में इसकी सीडलिंग कर दें। तो दोस्तों, हम भी वैसे सेम मेथड करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम इसे काट लेनी है। दोस्तों, अब ये रेपर फाड़ दी। अब इसमें के जितने भी सीड्स हैं हमें एक डब्बे में रख लेनी है। हमें जितनी ग्रो करनी है उतना ही हम लेंगे। तो दोस्तों, इतनी मेरी बच गई और ये काफी, थोड़ा सा और ले लेंगे। अब इसमें लेने के बाद दोस्तों, हम इसी पानी में डालेंगे। अगर आप शाम को इसे पानी में डाल देते हैं तो आप रात तक इसे रहने दें। जितने भी हमारे पानी है, ये सीड्स हैं जो हमारे पानी सोख लेंगे और काफ़ी जो हमारा सीड्स है बहुत ही बेहतरीन जो ग्रो होगा, तो 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब इसे पूरा रात भर के लिए हम रख देंगे। तो दोस्तों, रात तक रखने के बाद हमारा जो ये सीड्स का है कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम ग्रो करेंगे, ये काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ये बिल्कुल बेहतरीन मेथड है और इससे आपकी जो पालक की प्लांटिंग होगी, जो इसकी वेजिटेबल आएंगी बहुत जल्दी आएंगी और इसकी जो पूरा 100% ये सीड ग्रो हो जाएगा इस मेथड से। तो दोस्तों, अब पानी को हम अलग कर लेंगे और सीड को अलग कर लेंगे। आप देख रहे होंगे हमारा जो सीड है, ये इस तार छन्नी की मदद से छना जा रहा है। इसी प्रकार आप कपड़े से भी इसको छान सकते हैं। और दोस्तों, कुछ इसमें रह गया, अब इसे हम झाड़ के अपने प्लांट्स में लगा देंगे। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं हमने पानी निकाल दिया है और ये देखिए सीड्स निकल आई हैं। अब इसे हम मिट्टी में लगाएंगे। दोस्तों, ये गीली है इसलिए हम इसको ऐसे होल करके एक एक डालेंगे नहीं, बल्कि इसको स्प्रिंकल कर देंगे, छीट देंगे, फिर भी हो जाएगा दोस्तों। तो आपको भी इसी मेथड से ग्रो करना है। ये देखिए, बस स्प्रिंकल कर दें और ध्यान रहे कि एक सीड्स दूसरे सीड्स के अटैच में ना आए। ये जो मेथड है ये फास्ट ग्रोइंग मेथड है, आप करेंगे तो आपको भी रिजल्ट 100% मिलेगा। आप इस तरह बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पालक को सीड को ग्रो कर लिया, अब इसका अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। अब हमें इस सीड्स को, अब हमें इसी मिट्टी के एक पतली लेयर
से इस सीड्स को ढक देनी है ताकि हमारा जब हम इसमें पानी दें तो हमारा जो सीड्स है अपना प्लेस चेंज ना करें। एक हल्की सी परत हम दे देंगे। देखिए हमारा बहुत सीड्स ढक गया है। दोस्तों इसको अब आप स्प्रे के मदद से हल्के स्प्रे कर दें। तो दोस्तों हम ये जो पालक लगा रहे हैं इसकी सीडलिंग हम 20/9/2019 को कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों कोई भी सीड लगाने का जो टाइमलाइन रहता है वो टाइमलाइन बहुत जरूरी होता है सीडलिंग ग्रो करने के लिए। से हमें बहुत आसानी से मालूम चल जाता है कि कब हमने सीड्स लगाया था। तो दोस्तों ये जो हम आज लगाए हैं आज 20/9/2020 है, मतलब 20 तारीख और सितंबर का महीना और 2020। तो हम इसे यहाँ पे लगा देंगे ताकि हमें याद दिलाती रहें। तो दोस्तों हमने 20 को ये पालक का सीड लगाया था, जैसे कि आप देख रहे होंगे हमने 20 को लगाया था और आज 22 है। ये इसकी पालक की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारी पूरी पालक ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों तो आज हमारा 25 है, 20 को हमने लगाया था और ये 25 है। तो ये 5 दिन की अपडेट है और आप देख रहे होंगे हमारी पूरी की पूरी पालक की सीड्स जर्मिनेट हो चुकी है और ये अपना ग्रोथ भी स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों आप भी इसी मेथड से अपना पालक का सीड ग्रो कीजिए, आपका भी 100% रिजल्ट आएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैं एम करता हूँ 100 लाइक्स की और आशा करता हूँ आप पूरे व्यूअर्स हमारा 100 लाइक्स बहुत जल्द पूरा करेंगे। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बाय, टाटा, सी यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय विथ योर प्लांट्स।